राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में शुरू हो सकता है बारिश का दौर, कल से 7 जिलों में अलर्ट हुआ है जारी। प्री मानसून को लेकर राजस्थान में अच्छी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल राजस्थान में कल यानी 10 जून से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वह पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के 7 जिलों में प्री मानसून की बारिश की संभावना जताई गई है। वह मौसम विभाग के अंदर दिल्ली द्वारा जारी फोरकास्ट के अंदर यहाँ पर कहा गया कि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 10 और 11 को यहाँ पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 40 डिग्री की तेज गर्मी से लोगों को कुछ राहत यहाँ पर मिलेगी। वही कल भी राजस्थान में गर्मी के तेवर जो है वो टिके रहे। सभी शहरों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री से ऊपर ही रहा। वही पिलानी, कोटा और चित्तौड़गढ़ और फलोदी और इसके अलावा बीकानेर, चूरू और गंगानगर, धौलपुर, बूंदी, बारा और हनुमानगढ़ और करौली में कल लू का असर रहा। यहाँ दिन पर पारा यहाँ पर 44 डिग्री से ऊपर ही चला गया। वही सबसे ज्यादा यहाँ पर दिन गर्म धौलपुर में रहा, अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वही जयपुर, जोधपुर और इसके अलावा अजमेर और नागौर और अलवर बेल्ट में सुबह यहां पर बादल छाए रहे और ठंडी हवा यहां पर चली। हालांकि मौसम में ये सच सुबह 11 बजे बाद बदल गया और आसमान यहां पर छाप होने लगा। इसके साथ यहां पर तेज धूप निकलने लगी और गर्मी का प्रभाव यहां पर बढ़ने लगा। वही जयपुर में यहां पर आज कल के मुकाबले कुछ राहत यहां पर मिल सकती है। कुछ लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, तापमान उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वही मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक आज 9 जून को प्रदेश के कुछ इलाकों में हीटवेव का असर रहेगा। वह गर्मी का असर भी रहेगा, तापमान में कोई खासा बदलाव नहीं होगा। वह कल से 10 जून से यहाँ पर प्रदेश के अंदर प्री मानसून की बारिश पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शुरू हो सकती है। कोटा, उदयपुर संभाग, कोटा और इसके अलावा बारा, बूंदी और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ समेत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर बादल छाने के साथ साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 11 जून को भी यहाँ पर राजस्थान के इन इलाकों में बारिश की संभावना है, यानी ऐसा ही मौसम यहाँ पर बना रह सकता है। वही प्रदेश के अंदर तापमान की बात करें तो यहाँ पर अजमेर में कल अधिकतम 41 डिग्री रहा, 41.5 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री के आसपास रहा। भीलवाड़ा में 43 डिग्री पार चला गया। इसके बाद यहाँ पर पिलानी में 44 डिग्री और उदयपुर में 41 डिग्री के आसपास पारा रहा। वही गंगानगर में अधिकतम 46 डिग्री तापमान दर्ज यहाँ पर किया गया। गंगानगर में हनुमानगढ़ में तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार इन इलाकों में जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को यहाँ पर गर्मी जो है यहाँ पर राजस्थान में लोगों को यहाँ पर गर्मी जो है वो सताने लगी है। वही मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि कल 10 जून से यहाँ पर दोपहर बाद बारिश शुरू हो जाएगी। इसी दौरान 12 जून तक हल्की बारिश की संभावना बन रही है। वही मौसम विभाग की माने तो 12 जून को अजमेर संभाग में प्री मानसून की बारिश होगी, यानी अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में प्री मानसून जो है वो लोग जो है वो बारिश से नहाएंगे। बता दें आपको कि अन्य सभी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके चलते यहाँ पर आंधी और बारिश का दौर यहाँ पर एक हफ्ते बाद शुरू हो सकेगा। वह प्रदेश के अधिकतर जिलों में उमस भरी गर्मी का दौर अभी भी जारी रहेगा, लेकिन तापमान 2 डिग्री गिरावट के साथ 15 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। वही पिछले मानसून के दौरान कोटा संभाग में सबसे ज्यादा यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। उस बार भी यहाँ पर ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। कोटा संभाग में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है, यानी कोटा संभाग में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग ने इस संभाग में कुछ जिलों में सामान्य से 108% अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। वही मानसून की शुरुआत भी कोटा से ही होगी। वही मानसून भी इसी संभाग में होकर राजस्थान के अंदर प्रवेश करेगा। ये अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है, यानी कोटा से एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। वही प्रदेश के अंदर अलग अलग इलाकों में मौसम में जो लगातार बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। वही तपन और गर्मी से जूझ रहे सेकावटी के लोगों को भी यहाँ पर राहत मौसम में बदलाव आ रहा है। इसके कारण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में चक्रवर्ती हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ रही है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी हीटवेव चल रही है। दर मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी हवाएं भी चलने के आसार है। वैसे कावटी में अभी तेज धूप का जो असर है वो दिख रहा है। दोपहर को में तो धूप तेज हो रही है, लेकिन तेज हवाएं चलने से अन्य दिनों की तुलना में गर्मी यहाँ पर कम रही है। पंजापुर कस्सी अनुसंधान के अंदर अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 41 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है।